वेलकम गाइस, अगर आप इस टाइप की फोटो एडिट करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो आपको पूरा देखना है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट और पिक्सआर्ट में इस बैकग्राउंड को ओपन करते हैं। तो दोस्तों पिक्सआर्ट को ओपन कर रहा हूँ। ओपन होते ही दोस्तों आपको प्लस में क्लिक करना है। प्लस में क्लिक करना है दोस्तों, एडिट में क्लिक करना है और गाइस एडिट पर क्लिक करके बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पे व्हाइट कलर सेट कर लेना दोस्तों। ओपन करने के बाद ओपन हो जाएगा इस तरह से कुछ। जिसके बाद दोस्तों आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद दोस्तों आपको क्रॉप में चला जाना है। क्रॉप में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे दोस्तों इसको सिलेक्ट कर लेना है। ऊपर राइट पर क्लिक कर देना तो राइट में क्लिक करके बैकग्राउंड आ जाएगा आपके पास। इसके बाद दोस्तों जो फ्रेम है उसको हम ऐड करेंगे तो नीचे साइड ऐड फोटो में जाकर उस PNG फ्रेम को ऐड कर लेते हैं। ऐड पर क्लिक करके आपको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद दोस्तों इसको कुछ इस टाइप से परफेक्ट सेट कर लेना अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग दोस्तों। फोटो के हिसाब से आपको ऐसे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद दोस्तों आपको प्लस में क्लिक करना है और जो भी फ़ोटो आप ऐड करना चाहते हैं इस फ्रेम में और फोटो को जल्दी से ऐड कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों इस फोटो को मैं ओपन कर लिया हूँ, इसी में दोस्तों आपको इस तरह से कुछ सेट कर लेना है। आप जैसे भी सेट करना चाहते हैं जो भी आपकी फ़ोटो दोस्तों, तो मैं ऐसे कुछ कर लिया हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसकी ओपेसिटी पुल कर देना है और यहाँ पे नीचे साइड ब्लेंड में क्लिक करके इसको स्किन कर देना है। स्किन करेंगे जैसे दोस्तों तो आप देखेंगे कि किसी तरह से हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको जूम करना है। इरेजर पे जाके इसको जूम करके दोस्तों इसको इरेज कर लेना। आप देखिए कुछ इस तरह से ओपेसिटी पुल करके उसको इरेज कर लेते हैं फालतू के हिस्से को। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी। तो चलिए दोस्तों इसके बाद जल्दी से तीन फोटो को और ऐड कर लेते हैं। इस पर प्लस में क्लिक करेंगे दोस्तों और तीन फोटो और जल्दी से ऐड कर लेते हैं। फिर उससे दोस्तों इसके बाद आपसे फिर से मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चारों फ्रेम में फ़ोटो सेट कर लिए। इसके बाद दोस्तों आपको एक PNG वाली फ़ोटो को ऐड करना है जिसको आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड इरेज वाली फ़ोटो को ऐड कर लिए दोस्तों। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है तो आप मेरा यूट्यूब में जाके वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। इसमें लिंक भी दे दूंगा। और दोस्तों जो भी यहाँ पे फ्रेम ऐड कर किया हूँ दोस्तों, ऐड किया हूँ जिसको, तो आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना दोस्तों। तो इसको ऐसे ओपन करने के बाद, सेट करने के बाद परफेक्ट कुछ, इसके बाद आपको प्लस में क्लिक करना है। प्लस में क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐड फोटो में क्लिक करना है और ऐड फोटो में क्लिक करके दोस्तों आपको एक शेडो PNG को ऐड कर लेना है। तो चलिए मैं जल्दी से कर लेता हूँ, इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो गाइस ऐड भी क्लिक करके इसको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद दोस्तों जो इसके जूते हैं दोस्तों, इसके नीचे सर को इस तरह से आपको परफेक्ट सेट कर देना है ताकि बहुत ही एकदम रियल दिखने लगे। तो चलिए जल्दी से मैं कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ दोस्तों। इसको मैंने सेट कर लिया। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर क्लिक करना दोस्तों, इसका डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करने के बाद दोस्तों आपको इस वाले जूते में भी दोस्तों ऐसे सेट करना है। तो चलिए देखिए मैं कर लेता हूँ दोस्तों ऐसे। इसके बाद दोस्तों आपको जो पर्सन है दोस्तों, इसमें क्लिक करना है ऐसे और इसको मूव अप करना है दो बार। तो दोस्तों देखिए कुछ तरह से सेट हो चुका है, तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसका दोस्तों आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना। राइट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस फोटो में ऐड फोटो में क्लिक करना है। ऐड फोटो में क्लिक करके दोस्तों एक PNG को ऐड कर लेना है, जो दोस्तों टैक्स PNG उसको ऐड कर लेना है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे जाना है आपको, ऐड पे क्लिक करना दोस्तों एक टैक्स PNG इसको हमें, हम इसको दोस्तों नीचे के साइड में सेट कर लेते हैं। आपको भी अपनी फ़ोटो के हिसाब से ऐसे सेट कर लेना कुछ इस तरह से। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है तो सेट हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद आपको प्लस में क्लिक करना है, ऐड फोटो में जाकर हैप्पी न्यू ईयर वाला टैक्स ऐड कर लेना है। ऐड में क्लिक करके हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ दोस्तों, इसको आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे सेट कर देना है। देखिए ऐसे दोस्तों, तो ये बहुत ही बढ़िया फ़ोटो बन चुकी है दोस्तों। इसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है दोस्तों और इसको सेव कर लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।